घोटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में गला काटकर आत्महत्या करने वाले कैदी रहमतुल्लाह अंसारी के परिजनों ने गुरुवार को शव के साथ कांके चौक जाम कर दिया। इससे पहले रिम्स में रहमतुल्लाह के शव का मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम किया गया, उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। सैकड़ों की संख्या में परिजन और गांव के लोग पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इसके बाद परिजन व साथ आए लोग शव के साथ कांके चौक पहुंचे और रोड जाम कर दिया। शव के साथ रोड जाम कर परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया कि रहमतुल्लाह अंसारी का गला काट कर जेल में ही हत्या की गई है। मालूम हो कि बुधवार को जेल प्रशासन द्वारा गंभीर हालात में कैदी रहमतुल्लाह को रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रहमतुल्लाह मूल रूप से कांके थाना क्षेत्र के हुसीर का रहने वाला था। कांके पुलिस ने कार चुराने के आरोप में 2 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा था। रहमतुल्लाह अंसारी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, जेल में हत्या बंद करो।